देखिए आज जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन को कवर करेंगे और वो सेशन है हमारा इफ़ कंडीशन। अगर आप वीवीए में एक अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी इफ़ कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपकी इफ़ कंडीशन स्ट्रॉन्ग है तो वीवीए में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सर अगर आपकी इफ़ कंडीशन वीवी में स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे चल के आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप जब भी करें तो सबसे पहले आप इफ़ कंडीशन को यूज़ कीजिए। सर इफ़ का मतलब क्या होता है? जैसा कि लास्ट टाइम आपको याद है मैंने आपको नॉर्मल एक्सेल के अंदर इफ़ की कंडीशन बताई थी। पहले एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं और फिर आगे कहानी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इफ़ क्या लगाते हैं? इफ़ होता है जब किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना होता है उसे इफ़ कहते हैं। किसी कंडीशन के बिहाफ से किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना होता है उसे इफ़ कहते हैं। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि इफ़ अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 होए तो हमें पास दे, अदरवाइज हमें फेल दे। ये हम लोगों ने करा था। या हम कहते हैं कि जब अगर वैल्यू ग्रेटर देन 50 है तो ओके शो कर दे, बस हम ये चाहते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है। क्या ये हमारी कंडीशन? तो अगर हमें इस कंडीशन के बिहाफ से रिजल्ट चाहिए तो हम कैसे करें? क्या सर वीवीए के अंदर ये वाला इफ काम नहीं करेगा? क्या वीवीए के अंदर ये वाला इफ काम नहीं करेगा? आइए अगर हम ये वाला इफ लगाना चाहें नॉर्मल एक्सेल का तो क्या हम लगा सकते हैं? क्लियर? तो क्या मैंने क्या करा, मैंने बोला रेंज, ठीक है, 82 डॉट वैल्यू डॉट सॉरी A2 रेंज फार्मूला इज इक्वल टू, ठीक है, और फार्मूला मुझे फार्मूला पेस्ट करना। मैंने कहा ये वाला फार्मूला क्या कर दूं, पेस्ट कर दूं। जैसे ही मैं इस फार्मूले को वीवीए के अंदर पेस्ट करूंगा और इंटर मारूंगा वीवीए मुझे एरर का मैसेज देगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल कि कोई फार्मूले वीवीए फॉलो नहीं करता। अगर फॉलो करना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के जरिए इसको फॉलो करवाना होगा, लेकिन ये मैसेज देगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां नॉर्मल एक्सेल लगा हुआ है फार्मूला उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कन्वर्ट करना है और वो अलाउ कर लेगा। अगर आप वीवीए के अंदर नॉर्मल के किसी भी फंक्शन को फॉलो करवाना चाहते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। सर अगर हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए रिजल्ट पा लेंगे, क्या कर लेंगे, रिजल्ट ले आएंगे, तो हमें कैसे करना है? अब यहाँ जहाँ हमने A2 दिया इसको हम क्या कर देंगे, रेंज A2, क्योंकि वो किस पर चेक करेगा, आप रेंज A2 डॉट वैल्यू, क्लियर, उसकी वैल्यू को चेक करेगा और फिर आपके आंसर को दे देगा। लेकिन हम इस वाले इफ कंडीशन को नहीं सीखना चाहते या करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? सर अगर हम इस क्वेश्चन से करें क्या हमें आंसर नहीं मिलेगा? क्या हम इस क्वेश्चन से करें क्या हमें आंसर नहीं मिलेगा? आंसर मिलेगा सर, मैं मना नहीं कर रहा कि आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी। आइए कैसे, बी टू डॉट फार्मूला, ठीक है, फार्मूला पर क्लिक करा। अब हमें क्या, जो भी फार्मूला है उसको क्या कर ले वो, ठीक है, एक्टिव सेल डॉट कॉपी, ठीक है, लेकिन एक्टिव सेल में कहीं मिस्टेक है, ई नहीं लगाया मैंने, तो वो एक्टिव सेल कॉपी, क्लियर, एक्टिव सेल डॉट कॉपी हो गया हमारा। अब हमें क्या होगा जब ये फार्मूले को कॉपी कर लेगा, अब हमें फार्मूला नीचे तक पेस्ट करवाना है। कहाँ तक? B3 से लेकर B23 तक। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ रेंज डॉट B3, B23 डॉट, ठीक है, क्या पेस्ट, और वो भी पेज स्पेशल पेज एज अ, और इसको 5 करके मैं इसको पेस्ट करा सकता हूँ। फार्मूला क्या पेस्ट करना है तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि हमें फार्मूले को जो हमने कॉपी करा है, सबसे पहले यहाँ फार्मूला है तो आपने जाना है कि जो फार्मूला प्रॉपर्टीज़ में होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं,
क्या लगाते हैं हम लोग? इक्वल। डॉट हमें कॉपी लिखना था बस, ठीक है, और यहां पर हटा के और हमें इसको नीचे पेस्ट करना। जैसे ही मैं F5 करूंगा, ये देखिए मेरा आंसर आ गया। मैंने क्या करा, मैंने बोला B2 तुम कॉपी करो, लेकिन कॉपी तुम अपनी वैल्यू को मत करो, यहाँ पर जो फार्मूला है उसको कॉपी करो। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो भी तुम्हारे पास फार्मूला है उसको B3 से लेकर B20 तक पेस्ट कर दो। वो क्या करेगा, अगर मैं नॉर्मल एक्सेल की बात करूँ, मैं इस फार्मूले को यहाँ कॉपी कर लूँ और यहाँ पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और इस फार्मूले को कॉपी करूँ और कॉपी करके अगर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पेस्ट जैसा फार्मूला कर दूँ तो वो मुझे आंसर दे देगा। और इसी कॉन्सेप्ट को मैंने इसका यूज़ करा। लेकिन सर मैं आपको रियल लाइफ में बताऊँ, हम रियल लाइफ में इतना यूज़ नहीं करते, हम अपने फार्मूले बना सकते हैं। तो आप कैसे फार्मूले एक्सेल के अंदर बनाएंगे VVA के थ्रू, कैसे? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इफ़ का मतलब होता है जब किसी कंडीशन के बिहाव से किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना होता है तो इफ़ की मदद लेते हैं। और किसी भी प्रोजेक्ट को आप विदाउट इफ़ के कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर सारे लॉजिक इफ़ के होते हैं। आपको याद होगा पीछे मैंने एक आपको सेंड टू फाइल एक प्रोजेक्ट करके दिखाया था, जब मैं उस प्रोजेक्ट पर क्लिक कर रहा था वो डाटा सेंड कर था, लेकिन मैं उसके अंदर एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि अगर इस नाम का डाटा ऑलरेडी उसके अंदर है तो वो एरर दे दे या मैसेज दे दे कि दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन योर डाटा। इफ़ कंडीशन लगेगी, इफ़ एरर नहीं लगेगा, इफ़ कंडीशन लगेगी। तो आइए, अगर हमें इस कंडीशन के थ्रू आंसर चाहिए तो हम क्या लाएंगे? अभी जो हम इफ़ सीख रहे हैं इसे बोलते हैं सिंगल कंडीशन इफ़। क्या कहते हैं इसे? सिंगल। सबसे पहले आप इफ़ लगाएंगे। लॉजिक क्या कहता है, अगर आप इसका वो देखना चाहते हो मेथड, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो क्या है। आप इसको राइट क्लिक कीजिए, गूगल क्रोम पे हमने ऑन कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ से इफ़ कंडीशन को फॉलो कर लिया। पहला होता है इफ़, उसके बाद सम कंडीशन इज ट्रू देन डू समथिंग। पहली चीज़ कह रहा है कि आप यहाँ पर कंडीशन चेक करो। मैंने बोला इफ़ अगर रेंज 8-2 की वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू ग्रेटर देन 50 देन शो मी रेंज B2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ओके। और B2 पर शो कर दो ओके। अगर मैं यहाँ रन करूँ और स्टार्ट करूँ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 50 से बड़ी नहीं थी। लेकिन अगर मैं 51 कर दूं और इसको दोबारा रन करूं तो आप यहां देख सकते हैं ओके आ गया। इसे कहते हैं सिंगल कंडीशन इफ। क्या कहते हैं इसे? सिंगल कंडीशन इफ। क्लियर? तो ये यूज़ कर सकते हैं सिंपल। लेकिन सर हमें एक प्रॉब्लम है कि सर मुझे यहां इफ हर बार पेश करना पड़ेगा, 23 बार इफ को पेश करूंगा सर, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अगर 500 डाटा को तो 500 बार पेश करूंगा। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं लूप। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? लूप। जब किसी काम को रिपीट करना होता है या साइकिल में चलाना होता है किसी प्रोसेस को, तो उसके लिए इफ़ यूज़ होता है। इफ़ के लिए लगाते हैं लूप लगाते हैं फॉर आई, और कहाँ से? 2 से लेकर 1, मतलब कितनी बार चले? 2 से लेकर 23 बार। और क्या दे दिया मैंने? नेक्स्ट, और नेक्स्ट आई। लूप क्या करेगा, पहले आई क्या करता है? काउंटिंग करता है। यहाँ एक बार चला तो आई पे कितना स्टोर हो जाएगा? 1। 2 बार चला तो आई पे कितना स्टोर हो जाएगा? 2। 3 बार चलेगा तो आई पे कितना स्टोर हो जाएगा? 3। मतलब जितनी बार इफ चलेगा लूप चलेगा, आई अपने पास स्टोर करता जाएगा। जब आई के पास 23 आ जाएगा और 23 चल जाएगा तो उसके बाद वो एक मैसेज देगा, योर सर्कल इज या रिपीटेशन वर्क इज फिनिश, एंड देन लूप से बाहर कर देगा उसको। क्या कर देगा उसे? लूप से बाहर। इसे कहते हैं रिपीटेशन वर्क। क्या कहते हैं हम इसे? रिपीटेशन वर्क। तो अगर हमें इसे करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ A2 है ना, इसको काट देंगे और इसको कॉन्कैटेनेट कर देंगे I के साथ। अब क्या, जब पहली बार लूप चलेगा तो I पे कितना आएगा? 2।
और यहाँ क्या बन जाएगा, ए कॉन्कनेट टू, तो क्या बन जाएगा ए टू, और इसको भी किसके साथ कोऑर्डिनेट कर दिया, कॉन्कनेट टू सॉरी आई। अगर मैं समझाऊँ रियल लाइफ में है क्या, मेरे पास एक टेबल में आई है सॉरी ए, ए पूरी टेबल में क्या है मेरे पास ए, और मैंने इसको नीचे तक रिपीट कर दिया। एक टेबल में पास नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर आ गए। अगर मैं इन दोनों को कॉन्कनेट करूं तो क्या करूंगा मैं, तो क्या बन जाएगा, और मुझे यही काम करना था। ये काम मैंने किसके जरिए करा, लूप के जरिए करा। और A2 ये एक बार बनेगा तो A2 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा B2, जब अगली बार चलेगा तो A3, ये क्या बन जाएगा, और इसके बाद इसको F5 करके रन कर दीजिए। जैसे ही आप F5 रन करेंगे चल जाएगा। क्योंकि ये सिंगल कंडीशन इफ था इसलिए इसने रिजल्ट को आपको नहीं पढ़ा। याद रखना जब सिंगल कंडीशन आपको रिजल्ट एक चाहिए तो उस समय हम सिंगल कंडीशन इफ लगाते हैं। कौन सा कंडीशन इफ लगाते हैं, लेकिन आप कहते हो कि नहीं सर मुझे इसमें पेंडिंग भी शो करे, क्या शो करे पेंडिंग, तो तुम देन के बाद इंटर मारोगे, ये ट्रू पार्ट हो गया, उसके बाद लगाओगे एल्स। एल्स मतलब होता है फॉल्स पार्ट, और अगर फॉल्स पार्ट है तो क्या लिख दोगे यहाँ, रेंज बीट टू आई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू पेंड। और जैसे ही मैं F5 करूंगा ये मुझे कह देगा, आप कह रहे नेक्स्ट विदाउट फॉर। याद रखना जब आप मल्टी कंडीशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं मल्टी कंडीशन, या एक से ज़्यादा कंडीशन लगाते हैं तो उस कंडीशन के बाद आपको इफ को बंद भी करना होता है। तो मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए था एंड इफ, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा एंड इफ, और जब मैं माइक्रो को रन करूंगा तो आप देखिए माइक्रो मेरा रिजल्ट क्लियर, तो आप इसलिए यूज कर सकते। अभी मैं लूप नहीं पढ़ा रहा, मैं अभी आपको इफ कंडीशन पढ़ा रहा, क्या बना रहा हूँ इफ कंडीशन। सर हमने सीखा सिंगल कंडीशन, फिर हमने सीखा ट्रू एंड फॉल्स पार्ट, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अगर वैल्यू 70 से बड़ी हो, ओ सॉरी 40 से बड़ी हो 70 से कम हो तो हमें ये शो करें, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। और कोई कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन, अगर मेरी वैल्यू 60 से बड़ी हो तो मुझे 40 क्वांटिटी में कितना इंटू, जितनी क्वांटिटी हो उसमें इंटू कर दो 40। तो मैं यहाँ एक और लूप बनाता हूँ सेम, यहाँ लिखूँगा सब इफ सब अंडरस्कोर टू, और यहाँ बोलूँगा फोर आई कितना टू से लेकर कितनी बार 12, लेकिन मुझे पता नहीं 12 है 13 है 14 है 15 है, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रेंज ए 65,000 डॉट एंड डॉट अप डॉट रो, तो ये क्या करेगा 65 पे जाएगा, ए 65,000 पे जाएगा, उसके बाद वो कहाँ आएगा कंट्रोल के साथ अप एरो करके यहाँ आएगा, कितना नंबर मिलेगा उसको 12, और वो क्या कर देगा अपने आप उसको 12 बार चला देगा, 2 से लेकर 12। अभी डायनेमिक हो गया, डाटा कम हो ज़्यादा कोई मतलब, आइए कंडीशन लगाते हैं, इफ रेंज ए टू डॉट वैल्यू इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 then range b2 dot value equal to range a2 concatenate I dot value into 40 and और अगर नहीं हो मतलब 60 से बड़ी 40 से बड़ी ना हो तो क्या करो else, कुछ भी मत करो जो वैल्यू वही शो कर दो, रेंज b2 डॉट गलती मैंने कॉन्कनेट करना था i डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या शो कर दो रेंज a2 i डॉट वैल्यू को शो कर दो, यहाँ भी हमें क्या कर देना है कॉन्कनेट।
गया 40। ठीक है, ग्रेटर देन बोला है ना उसने, क्वेश्चन क्या था हमारा, है ग्रेटर देन का है ना, तो क्वांटिटी में इंटू कर देना 40 आ गया। पता ही हमने रेंज ए टू क्यों लिया, क्योंकि जो रेंज ए टू की वैल्यू को उसको गुणा करो। अब जैसे ही मैं एफ फाइव करूँगा, लेकिन रिजल्ट कहाँ चाहिए था, सी पर चाहिए था, कहाँ चाहिए था, सी पर चाहिए था, जहाँ जहाँ बी था वहाँ क्या कर दूंगा मैं, सी कर दूंगा, क्योंकि हमारा आंसर कहाँ पर आएगा, सी पे, और इसको एफ फाइव करके रन कर दो। अब एक एरर दी, क्या एरर दे रहा, ध्यान से पढ़िए, सी कॉन्कैटेनेट आई, आई पर कितना है टू, तो क्या बन जाएगा सी टू, ठीक है, डॉट वैल्यू आ जाएगा यहाँ, इसको सिलेक्ट, हाँ ए की जगह बी होगा, क्योंकि वैल्यू किस पे आएगी, ये भी गलत है, कंडीशन किस में चेक होगी, बी के साथ, यहाँ भी कंडीशन बी के साथ, इसको एग्जिट करो, दोबारा रन करो, क्लियर। और जहाँ वो 50 से नीचे हुआ हो, 60 से नीचे हुआ होगा, वहाँ उसने क्या करा, बी बी वन की वैल्यू शो करनी चाहिए थी, सी वन पे 60 से नीचे नहीं, 40 से ऊपर हो गया, ठीक है, ये अभी 60 से ऊपर हो गया, लेस देन दीजिए ना, हमारा क्या था, ग्रेटर देन 40 तो 60 तो है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। अब इसको रन कीजिए, आप देखो जहाँ जहाँ 60 से बड़ा नहीं था वो वैल्यू शो कर दी। आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट करते हैं, इफ़ ये पास और फेल वाला है, ये आप कर लोगे, जहाँ हमें वो लिखना था वही हो जाएगा, ये लोकल एसिडी वाला भी है वो हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं रियल, मैं चाहता हूँ मुझे राउंड वाइज चेक करना है, क्या चेक करना है, मुझे राउंड चेक करना है कि सपोज अगर मैं किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस कंपनी के अंदर इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से इंटरव्यू होता है कि अगर आपने चारों राउंड पास करे तो आप पास हैं, अदरवाइज फेल हैं, तो हम कैसे करें इसके अंदर। अभी आपने सीखा सिंगल कंडीशन इफ, अब आप सीखोगे नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ क्या, जिसे हम मल्टी इफ भी कहते हैं, मैंने यहाँ लिखा सब, ठीक है, इफ 3 और यहाँ लिख दिया। अब हमें लगाना है कंडीशन, पहली मैंने बोला इफ अगर रेंज कितने पर, बी 2 कॉन्कनेट आई डॉट वैल्यू, आई तो है नहीं इसलिए वो एरर दे देगा, 4 आई 2 डॉट रेंज डॉट ए 65,000 डॉट एंड डॉट अप डॉट रो, क्लियर एंड इन्वर्टेड कॉमा। अगर मेरी वैल्यू इक्वल टू क्या है, वाई है, यस, देन तुम एक और बार इफ को चलाओ, अब सी की वैल्यू चेक करो, अगर सी की वैल्यू इक्वल टू क्या है, देन इफ अगर रेंज डी डॉट आई डॉट वैल्यू क्या है, देन इफ अगर रेंज e डॉट कॉन्कनेट डॉट आई डॉट वैल्यू इक्वल टू y, देन, ठीक है, चारों हो गए, और अगर ये चारों कंडीशन पूरी है तो रेंज f डॉट i डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ठीक है एल्स, ठीक है एल्स क्या एल्स, ठीक है क्लियर, रेंज ठीक है एफ कॉन्कैटेनेट आई वैल्यू इक्वल टू राउंड 4 डॉट इन्वर्टेड कॉमा राउंड 4 डॉट रिजेक्टेड, समझ में आया, एंड इफ हमने चारों कंडीशन को कहा कि तुम चारों कंडीशन चेक करो, तुम पहले में पास हो, दूसरे में पास हो, तीसरे में पास हो, चौथे में, इसने क्या करा, ये सभी इफ ने पहले इस इफ को चेक करा,
तुम फोर्थ में पास हो, अगर तुम फोर्थ में पास हो तो क्या दिखा देगा? सिलेक्टेड। अगर नहीं तो क्या दिखा देगा? राउंड फोर रिजेक्टेड। क्लियर है? उसके बाद अब तीसरा इफ पकड़ेगा, इसने पहला इफ को ख़त्म कर दिया, ये पहला फोर्थ इफ खत्म हो गया, अब किसके पास जा रहा है? थर्ड इफ के पास। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेम यही लिख दूंगा, ये जो पूरी लाइन है सेम लिख दूंगा, ठीक है ना? कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर थ्री कर दूंगा, यहाँ टू कर दूंगा और यहाँ वन कर दूंगा। नेक्स्ट आई, क्यों? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो वही रेंज है। और आई, क्लियर? आप देखिए, चलें, मैंने यहाँ लिखा वाई 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 वाई, क्लियर? आ जाइए, लेकिन ये लूप चलेगा 8 बार क्योंकि डाटा है। आ जाइए, एफ एट एफ एट, मी पे कितना है? 2 है, इसने चेक करा, ठीक है, इसे 2 मिल गया, ट्रू ट्रू ट्रू, यहाँ क्या आ गया? सिलेक्टेड। इसे चेक करा, देखो सबके एल्स पार्ट में आ गया, एंड 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 और नेक्स्ट। क्लियर? कितनी बार चलेगा ये? 8 बार चलेगा, और बाकी सब में क्या आ गया? रिजेक्टेड, क्योंकि पहले ही में उसे आंसर नहीं मिला। क्लियर? तो यहाँ क्या लिख गया? रिजेक्टेड 1। लेकिन तुम जैसे जैसे यहाँ लिखते जाओगे वाई 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 वाई, और दोबारा इस माइक्रो को चलाओगे तो आपको हैं वाई, वाई, और जैसे ही तुम इस माइक्रो को चलाओगे F5, वो आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, मैं यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, स्मॉल केस में लिख रहा हूँ, और जैसे ही F5 करूँगा ये मुझे रिजेक्टेड दे देगा, क्योंकि इफ कंडीशन 2 नंबर ही करता है, छोटे बड़े का फर्क करता है। क्या करता है? छोटे बड़े का फर्क करता है। तो तुम क्या करना, इसके रिजल्ट के पहले यू केस लगा देना। क्या लगा देना? यू केस, हाँ, क्योंकि वो जो भी वर्ड होगा उसको वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, चाहे तुम अपर लिखो या फिर लोअर केस लिखो, तो सभी रिजल्ट में आपको क्या लिख देना है? यू केस। क्या लिख देना है? यू केस। यू केस मतलब होता है अपर केस। ये कर देना है, इसके बाद हमें और कुछ तो करना नहीं, यहाँ पर करना है रिजल्ट में, तो हमें कुछ नहीं करना। अब इसको रन कर दो और देखिए सिलेक्टेड आ गया। क्लियर है? तो ये 2 नंबर ही का काम करता है। क्लियर है? आपने दोनों इफ समझ लिए, कोई दिक्कत? बस आज के सेशन में यही इफ था, ठीक है, कल हम और इफ समझेंगे, इफ के साथ एंड और का भी यूज़ करेंगे।